हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। छात्रों, आज हम लोग अल्थुजर और हैबरमास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एकदम सामने है और एमपी पीसीएस के अंदर में ग्रुप वन की भी एग्जामिनेशन में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जिन स्टूडेंट का है उस पर आपने देखा होगा कि ये ऐसे इस तरीके से मार्क्स की थ्योरी में अल्थुजर और हैबरमास को एडिशनल कर करके उत्तर मार्क्सवाद के रूप में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन को कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और छात्रों, जिन लोगों ने अभी तक सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब वन टू वन कर करके सारे थिंकर्स पर हम आपको जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो अवेलेबल करवाएंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है कि यह किसका कथन है कि वैचारिक अधिसंरचना अर्थव्यवस्था का मात्र प्रतिबिंब नहीं है अपितु अंशतः इसके अस्तित्व की शर्त भी है। देखो, वैचारिक अधिसंरचना की बात की जा रही है। देखिए, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक टर्म आ रहा है वैचारिक अधिसंरचना, ठीक है ना। अब देखिए, वैचारिक अधिसंरचना का मतलब क्या हुआ, अल्थुजर ने इसको एक टर्म यूज किया है छात्रों, उसके लिए ISAU यूज किया है, ठीक है ना। ISA का मतलब क्या होता है, आर्डियोलॉजिकल स्टेट अपार्टस, आर्डियोलॉजिकल स्टेट अपार्टस, यानी इसको हम वैचारिक राजतंत्र कहते हैं। अब ये वैचारिक राजतंत्र क्या कहता है, वो कहता है कि जो स्टेट के अंदर में बदलाव है, जो अगर हम सोशल चेंज चाहते हैं तो वो वैचारिक आधार पर होगा, ठीक है ना, वैचारिक आधार पर होगा। और यह केवल एक प्रतिबिंब नहीं है कि विचारधारा के अनुसार परिवर्तन होगा, ये वास्तव में एक आवश्यक शर्त की भी, उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक शर्त भी। वो दो प्रकार की बातें करते हैं छात्रों, एक आइडियोलॉजिकल स्टेट अपार्टस की बात करते हैं, यानी ISA की बात करते हैं, वैचारिक राजतंत्र की बात करते हैं, और दूसरा वो RSA की बात करते हैं। RSA मतलब हो गया रिप्रेसिव स्टेट अपार्टस, यानी दमनकारी राजतंत्र। देखो, दमनकारी राजतंत्र के अंतर्गत क्या आता है, दमनकारी राजतंत्र का मतलब होता है छात्रों कि जैसे सपोज करिए पुलिस हो गया, तो पुलिस दमनकारी राजतंत्र के अंदर, जेल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे ये सब किसके अंतर्गत आ गए, यानी ये बेसिकली दमनकारी, जुडिशरी हो गया, ये दमनकारी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वैचारिक नियंत्रण की अगर हम बात करें, जैसे एजुकेशन हो गया, फैमिली हो गया, लॉ हो गया, तो ये सब हमारे वैचारिक। और ये कहता है कि अगर सोशल चेंज लाना है तो सोशल चेंज के लिए ये सब एक्चुअल रूप से होते हैं, यानी इनकी वास्तव में अस्तित्व इनका होना चाहिए, अगर ये नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर में परिवर्तन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वैचारिक अधिसंरचना अर्थव्यवस्था का मात्र प्रतिबिंब ही नहीं है अपितु अंशतः इसके अस्तित्व की शर्त भी है। ये इस प्रकार का स्टेटमेंट कौन देता है छात्रों, इस प्रकार का स्टेटमेंट, देखिए चार ऑप्शन है, अल्थुजर, गिडिंग्स और एम वेबर और जे हैबरमास। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपको पता हो गया कि अल्थुजर है, ठीक है ना, अर्थात अल्थुजर ने इस प्रकार की बात कही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करें, किसके अनुसार जीवन जगत, अब देखो यहाँ जीवन जगत की बात की जा रही है, ठीक है ना, लाइफ वर्ल्ड की बात की जा रही है, व्याख्यात्मक पैटर्न का सांस्कृतिक रूप से संप्रेषित और भाषाई रूप से संगठित संग्रह है। तो देखो, जीवन जगत की बात अगर की जाएगी तो यहाँ पर जे हैबरमास, अल्फर्ड सूद, एम बेबर और अल्थुजर, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट विद्यार्थी ये कह सकते हैं कि जीवन जगत लाइफ वर्ल्ड की बात तो अल्फ्रेड सूद करता है, लेकिन अल्फ्रेड सूद ही नहीं बात करता है छात्रों, यहाँ पर अल्थुजर भी बात करता है, ठीक है, अल्थुजर भी बात करता है। देखो, व्याख्यात्मक पैटर्न यानी संस्कृत रूप से संप्रेषित और भाषाई रूप से संगठित संग्रह, यानी जो जीवन जगत है, जो जीवन का लाइफ वर्ल्ड है, ये वास्तव में देखा जाए जो कल्चर है, ठीक है, सांस्कृतिक रूप से संप्रेषित, संप्रेषित मतलब ये हो गया कि कम्युनिकेट, जो हम कम्युनिकेशन करते हैं लैंग्वेज में कम्युनिकेशन, उसका जो व्याख्यात्मक पैटर्न है, जो एक्सप्लेनेटरी सिस्टम है, ठीक है ना, पैटर्न है, एक्सप्लेनेटरी पैटर्न है, वो जीवन जगत की व्याख्या करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जीवन जगत क्या है, वो व्याख्यात्मक पैटर्न का सांस्कृतिक रूप से संप्रेषित और भाषाई रूप से संगठित है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, अल्थुजर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, दूसरे नंबर की क्वेश्चन की बात करें, थर्ड नंबर पे अगर हम लोग बात करेंगे, तो निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है, यहाँ कुछ संकल्पनाएं दी गई, यहाँ के उसके प्रतिपादक की बात की जा रही है। देखो, यहाँ पर पहले अगर हम लोग बात करें, नव प्रकारवाद क्रिया, नव प्रकारवाद क्रिया और व्यवस्था, ये किससे जुड़ा हुआ है, तो नौ प्रकारवाद क्रिया और व्यवस्था ये अलेक्जेंडर से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पार्ट अलेक्जेंडर, यानी आप बी नंबर में मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पर दूसरा कह रहा है अविकृत संप्रेषण, अविकृत संप्रेषण, देखो ऊपर भी संप्रेषण की बात की गई थी, तो अविकृत संप्रेषण ये कौन चर्चा करेगा, ये हैबरमास करता है, ठीक है। अविकृत संप्रेषण की बात कौन करता है, हैबरमास कहता है।
उसके बाद में यहाँ पर आ गया संरचना की द्वैधता। संरचना की द्वैधता की बात कौन करेगा? अल्थुजर। संरचना है उसकी द्वैधता की बात कौन करता है? अल्थुजर करता है। और लास्ट में देख लीजिए एक यहाँ पर पॉइंट बच रहा है, वो आपका आ रहा है अतिनिर्धारणवाद। तो ये मैंने बताया था कि अतिनिर्धारणवाद ये अल्थुजर का है, तो अतिनिर्धारणवाद इसको याद रखिएगा, ये आपका अल्थुजर से हो जाएगा, ठीक है ना। तो चार पॉइंट आपके पास में हो गए छात्रों, इनको एक बार फिर से आप लोग देख लें, एक बार कंफर्म कर लें जो लोग ना कंफर्म। नौ प्रकारवाद क्रियावाद, ये किससे जुड़ा हुआ है? यहाँ पर अलेक्जेंडर हो जाएंगे। नौ प्रकारवाद की जो अवधारणा है ये अलेक्जेंडर से जुड़ी है, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है अविकृत संप्रेषण, अविकृत संप्रेषण ये जो जुड़ा हुआ है हैबरमास से जुड़ा हुआ है। तीसरा है संरचना की द्वैधता, देखो संरचना स्ट्रक्चर की बात की जाएगी, ये एंथोनी गिडिंग्स है छात्रों, अगर इस पे कुछ अपडेट हो गए तो नीचे एक ऑप्शन दिया गया है वो आपका एंथोनी गिडिंग्स, यानी यहां से आप एंथोनी गिडिंग्स जोड़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में संरचना की द्वैधता, देखो संरचना की द्वैधता के बाद में अतिनिर्धारणवाद, और अतिनिर्धारणवाद इसके लिए अल्थुजर होंगे, ठीक है। अतिनिर्धारणवाद ये ऊपर यहाँ पर अल्थुजर दिया गया है, इससे जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये इस पे मैचिंग करने के लिए आता है, इसको रट्टा मार करके रखेंगे, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए किसके अनुसार विचारधारा को मात्र मिथ्या चेतना के रूप में ही नहीं अपितु वास्तविक सामाजिक संबंधों के महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखना चाहिए। तो देखो कह रहा है कि विचारधारा, ये जो ऑडियोलॉजी की बात की जा रही है, विचारधारा की बात अगर की जा रही है, इसको हम मिथ्या चेतना यानी फॉल्स कॉन्सियसनेस ही केवल नहीं मानेंगे, ठीक है ना। हमें इसको फॉल्स कॉन्सियसनेस नहीं मानना चाहिए, बल्कि इसके अलावा अपितु एक वास्तविक सामाजिक संबंधों के महत्वपूर्ण अध्ययन। तो ये बात कौन करता है? ये बात करता है अल्थुजर, ठीक है ना। अल्थुजर इस बात को कहता है, देखो इसके आधार पर आप लोग समझ लें कि देखिए विचारधारा, अल्थुजर क्या कहता है, जैसे वो नौ मार्क्स बाद में, जैसे जिस प्रकार मार्क्स क्या कहता है, मार्क्स तो कहता है कि केवल मैटर होता है, यानी तथ्य जो होते हैं, जो भौतिक पदार्थ है, वही क्या है, वो विचारधारा को निर्धारित करते हैं, यानी मैटर डिसाइड व्यू, मैटर जो है वो हमारी आइडियोलॉजी को डिसाइड करता है, ये मार्क्स कहता है। लेकिन नौ मार्क्सवादी ये कहते हैं कि नहीं, विचारधारा ही कोई मिथ्या नहीं है, विचारधाराओं से भी, अर्थात अगर हमको सोशल चेंज लाना है, सामाजिक परिवर्तन लाना है, तो उसके लिए विचारधारा, राज्य रूपी विचारधारा को यूज करना होगा। और ये बात कौन करता है? अल्थुजर, यानी चार नंबर का बी नंबर कुछ ऑप्शन हो जाएगा छात्रों। नेक्स्ट देखिए, अल्थुजर के यह विचार संप्रेषित करने के लिए कि समाज में बड़े परिवर्तन जटिल होते हैं, ठीक है, और बढ़ते हैं, यह किस पद का प्रयोग किया, यानी अगर अल्थुजर का यह विचार संप्रेषित करने के, अगर हम इस व्यू को अगर हम लोग भेजें, कम्युनिकेट करें कि समाज में बड़े परिवर्तन जटिल होते हैं, जो बड़े बड़े चेंजेज हैं वो वास्तव में वो क्या है, वो बड़े जटिल होते हैं और बढ़ते हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके बढ़ते हैं, इसके लिए उन्होंने किस टर्मिनोलॉजी को, तो ये चीज उन्होंने अंतर विरोध की बात नहीं की है, उन्होंने बाहुल्य की बात नहीं, अपचय बात, उन्होंने अति निर्धारणवाद का प्रयोग किया है, ठीक है ना, ओवर डिटर्मिनिज्म की बात की है छात्रों, ठीक है ना। तो अति निर्धारणवाद, अल्थुजर ने ये कह रहा कि समाज में बड़े परिवर्तन जटिल होते हैं, ये अति निर्धारणवाद से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें अगले पॉइंट पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है छात्रों इसमें, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगला पॉइंट देखिए। निम्नलिखित में से किसे आलोचनात्मक सिद्धांतकार कहा जाता है? देखो आलोचनात्मक, ये मतलब ये जो पार्ट है आलोचनात्मक सिद्धांतकार की बात आ जाती है छात्रों। तो ये क्या है, कार्ल मार्क्स है, हीगल है, कोजर है या हैबरमास है? तो देखिए आलोचक, मार्क्स के आलोचक के रूप में कौन कौन लोग आए हैं? तो मार्क्स के आलोचक के रूप में आते हैं छात्रों, वो आते हैं हैबरमास, हैबरमास और अल्थुजर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। हैबरमास और अल्थुजर ये किसके रूप में आते हैं? ये मार्क्स के आलोचक के रूप में आते हैं, ठीक है, इनको नियो आलोचक के रूप में कहा जाता है। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन की अब हम लोग बात करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा वैधता दांव की रचना की प्रक्रिया में अभिव्यक्तिशील क्रिया की अवधारणा का प्रयोग करता है? वैधता दांव की जो रचना, जो वैध दांव की रचना है, उसमें अभिव्यक्ति क्रियाशील अवधारणा का प्रयोग कौन करता है? तो अभिव्यक्ति क्रियाशील अवधारणा की जो बात करता है वो कौन करता है? अल्थुजर करता है। वो कौन करता है? अल्थुजर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट छात्रों,
इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूटेड आ गया है, फिर से एक बार इसको फिर से रिपीट करेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बेहतर है, एक्चुअली क्या है छात्रों कि यहाँ पर अल्थुजर और हैबरमास ये दोनों बिल्कुल मिलते जुलते हैं, ठीक है ना, दोनों की ऑडियोलॉजी बिल्कुल मिलती जुलती है। तो पहले जो बात हैबरमास कहता है उसी को अपडेट करता हुआ अल्थुजर आता, तो वास्तव में वैधता दावों की जो सबसे पहले बात करता है वो छात्रों करता है हैबरमास, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हैबरमास होना चाहिए, ठीक है। तो वैधता दावों की रचना की प्रक्रिया में अभिव्यक्तिशील क्रिया, ठीक है ना, जो इंटरप्रिटेशन क्रिया की बात होती है वो ऐसा कि जो वो बात करता है हैबरमास, सबसे पहले कौन करता है हैबरमास, इसलिए इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको अपडेट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसके अनुसार आदर्श कथन परिस्थिति में, आदर्श कथन परिस्थिति में बिना किसी अनुचित प्रभुत्व के सभी पक्षों को संवाद करने का समान अवसर प्राप्त होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके अनुसार, कौन सा समाजशास्त्री कहता है कि आदर्श कथन परिस्थिति में यानी आइडियलिस्टिक बात में बिना किसी अनुचित प्रभुत्व के सभी पक्षों को संवाद करने का अवसर प्राप्त होता है। ऑप्शन यहां पर दिया गया है जे डेरिडा, अल्थुजर और एम फूको और हैबरमास, तो ये बात छात्रों अल्थुजर करता है, ठीक है ना, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, एल अल्थुजर। नेक्स्ट देखिए इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला आ रहा है सत्ता हर सामाजिक संगठन में विद्यमान है यह किसने कहा है, तो सत्ता हर सामाजिक संगठन में विद्यमान है इस प्रकार की बातें, अब देखिए यहाँ पर ये किसने कहा है, तो यहाँ अवधारणा और प्रतिपादक की बात आ जा रही है, ठीक है ना। अब देखिए छात्रों देखिए यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है और कि सत्ता हर सामाजिक संगठन में विद्यमान है यह किसने कहा, और चूंकि यहाँ अवधारणा और प्रतिपादक करके एक नया क्वेश्चन आ गया तो मैं इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी मैं बता, सत्ता की बात बेसिकली लेवल पर कौन करता है छात्रों, तो सत्ता की बात करता है डेहरन डार्फ, ठीक है, डेहरन डार्फ एक ऐसा समाजशास्त्री जो कहता है कि सत्ता हर सामाजिक संगठन में विद्यमान है, सत्ता को मानता है, केंद्र में रखता है, ठीक है, तो इसलिए इसका सत्ता का आंसर आप डेहरन डार्फ जान लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट इसके अगले क्वेश्चन की अब हम लोग बात करेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, यहाँ कुछ अवधारणाएं दी गई हैं और इनको आपको मैचिंग करना है, ठीक है, तो मैच करने के लिए क्या है अतिनिश्चयवाद, देखिए अतिनिश्चयवाद, तो अतिनिश्चयवाद या अतिनिर्धारणवाद ये कौन देता है, अल्थुजर देता है, ठीक है। दूसरा है संरचनाकरण, तो संरचनाकरण अभी मैंने बताया हुआ था ये कौन करता है, एंथोनी गिडिंग्स कहता है। नौ प्रकारवाद, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया छात्रों, नौ प्रकारवाद अलेक्जेंडर करता है, और अविकृत संवाद ये कौन करता है, ये करता है हैबरमास, ठीक है, तो इसको मैच कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कुछ थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, और इसको किसने किसने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में अगले देखें कि निम्नलिखित में से किसके विचार विधि संबद्ध संगठन के साथ बुने गए हैं, तो निम्नलिखित में से किसके विचार विधि संगत, जो विधि संगत, ठीक है ना, विधि सम्मत संकट की बात कौन करता है, ये करता है आपका हैबरमास, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका देता है छात्रों हैबरमास, ठीक है, विधि सम्मत। चलिए देखिए नेक्स्ट इसके अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ रहा है कि सामाजिक संरचना अल्थुजर की संकल्पना के तीन मुख्य तत्व हैं, सही चिन्हित करें, तो सामाजिक जो सोशल स्ट्रक्चर की बात करता है, ठीक है ना, अल्थुजर, तो उसमें कौन कौन सी चीजें मानता है, ठीक है, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इस बार एग्जामिनेशन में आया भी हुआ था, ठीक है, तो पहला आ रहा है इसमें जो फर्स्ट नंबर पर है वो समाज राज व्यवस्था और साथ ही साथ में समाज राज व्यवस्था और विचारधारा, ठीक है, तो पहला समाज राज व्यवस्था, और दूसरे नंबर पर देखिए यहाँ पर कह रहा है कि राज व्यवस्था अर्थव्यवस्था और संस्कृत, ठीक है, राज व्यवस्था अर्थव्यवस्था और संस्कृत, तीसरे नंबर पर यहाँ रहा अर्थव्यवस्था राज व्यवस्था और विचारधारा, और तीसरे चौथे नंबर पे समाज संस्कृत और व्यक्तित्व, देखिए ये अर्थव्यवस्था की बात को स्वीकार करता है, ठीक है, तो अब इसको ध्यान रखना है कि अल्थुजर अर्थव्यवस्था की बात को स्वीकार करता है क्योंकि मार्क्सवादी है, तो बिल्कुल एकदम से खारिज नहीं करेगा, अर्थव्यवस्था सुधार करता है, तो इसको स्वीकार करने के साथ साथ में वो राज व्यवस्था और विचारधारा को भी महत्व देता है, ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अर्थव्यवस्था राज व्यवस्था और विचारधारा, देखिए कभी कभी दिया रहता है अर्थव्यवस्था और राज व्यवस्था के अलावा और किस चीज को स्वीकार करता है, तो वो विचारधारा को स्वीकार करता है, जबकि मार्क्स क्या कहता है, वो कहता है विचारों से कुछ नहीं होता है, मैटर से होता है, तो यही इतना केवल अंतर है नौ मार्क्स बात के अंदर में, इसको ध्यान, यानी पहले मार्क्स क्या था, वो एक कारणवादी है यानी आर्थिक निर्धारणवादी है, लेकिन यहां पर जब अल्थुजर आता है, ठीक है,
तो वो क्या करता है, वो सत्ता की भी बात कर लेता और विचारधारा की भी बात कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे अल्थूजर की तार्किक स्थित उपाय के रूप में देखा जाता है। अल्थूजर की जो अल्थूजर उसकी तार्किक स्थित उपाय के रूप में देखते हैं क्या है, शिक्षा है, परिवार है, धर्म है, राज्य की नौकरशाही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको वो उपाय के तार्किक स्थित उपाय के रूप में देखता है। तो देखो अल्थूजर विचारों में परिवर्तन यानी वो शिक्षा को कहीं ना कहीं मानता है। ठीक है, कहता है एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिससे सामाजिक परिवर्तन होगा, तो एक नंबर अर्थात इसको स्वीकार करता। परिवार को भी वो मोटो मानता, कहता फैमिली भी सोशल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और साथ ही साथ में राज्य की नौकरशाही को इसको भी वो तार्किक लेवल, लेकिन धर्म को तार्किक लेवल पर नहीं देता। ठीक है ना, धर्म को तार्किक लेवल पर ये नहीं मानता है। ठीक है ना, ये क्या परंपरागत है। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 नंबर आपका हो जाएगा, अर्थात अगर 1, 2, 4 नंबर को अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे अब छात्रों, कि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अल्थूजर के संरचनावादी सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखिए संरचनावादी सिद्धांत की बात किया जा रहा है, ठीक है, अब उसमें कौन सा सही है इस पे, तो संरचना की बात अभी अभी जस्ट मैंने बताया कि अर्थव्यवस्था एक प्रभावशाली व्यवस्था है तथा यह राजनीतिक और वैचारिक संरचना पर नियंत्रण करती है, पहला तो यह कह रहा है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि अर्थव्यवस्था एक प्रभावशाली प्रणाली हो सकती है परंतु राजनीतिक तथा वैचारिक संरचनाओं में कतिपय स्वायत्तता होती है, तो बिल्कुल डेफिनेटली ये भी बात सही है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर रहा आर्थिक निर्धारणवाद को सुनिश्चित करने के लिए इतिहास इन सभी संरचनाओं में भाग लेती, गलत है इनमें से कोई नहीं। देखो दो क्वेश्चन है यहाँ पर, एक तो कह रहा है अर्थव्यवस्था एक प्रभावशाली व्यवस्था है, तो बिल्कुल अर्थव्यवस्था करता है, लेकिन यह राजनीति और वैचारिक संरचना पर नियंत्रण करती, तो अर्थव्यवस्था राजनीतिक और वैचारिक संरचना पर अगर नियंत्रण कर लेगी तो इसका मतलब आर्थिक निर्धारणवादी हो जाएगा, तो जबकि अल्थूजर आर्थिक निर्धारणवादी नहीं है, आर्थिक के साथ साथ यानी अर्थव्यवस्था के साथ साथ वो राजनीति और वैचारिक संरचनाओं को भी स्वतंत्र रूप से महत्व देता है। ठीक है, यानी अर्थव्यवस्था और राजनीति और वैचारिक को वो स्वायत्त ऑटोनॉमस बताता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छात्रों। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, तो विशेष रूप से 1970 के दशक 1970 के दशक में प्रचलित किसके कार्य से आपको मार्क्सवाद का संरचनावादी रूप मिलता है। तो मार्क्स के संरचनावाद का जो रूप मिलता है, स्ट्रक्चरल का जो पार्ट मिलता है, वो किससे मिलता है, अल्थूजर से मिलता है। ठीक है, यानी संरचनात्मक मार्क्सवादी लुई अल्थूजर को क्या कहा जाता है छात्रों, संरचनात्मक मार्क्सवादी कहा जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि मार्क्स का संरचनात्मक जो विश्लेषण किया है, अर्थात केवल अर्थव्यवस्था नहीं होती है, साथ साथ में राजनीतिक व्यवस्था भी होती है और विचारधारा वैचारिकी भी होती है, अर्थात राज्य को डिफाइन पूरा करने की कोशिश किया है, तो वो नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, लुई अल्थूजर। नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन, लुई अल्थूजर ने निम्नलिखित में से किन विचारों का विरोध किया है। अब देखिए कि वो मार्क्स के कौन कौन से ऐसे विचार हैं जिनका वो विरोध करता है। तो पहला यह है कि मार्क्स के अंतर्गत मानवतावादी व हीगलवादी आंदोलन को, ठीक है, तो कह रहा है कि मार्क्स के एक दूसरा नंबर है मार्क्स के अंतर्गत मानवतावादी आंदोलन, तो छात्रों ये केवल मार्क्स के मानवतावादी आंदोलन का विरोध ही नहीं करता, यानी किन विचारों का विरोध किया है, तो मानवतावादी का विरोध करता है, ये बात सही है। दूसरा मार्क्स के अंतर्गत मानवतावादी व हीगलवादी आंदोलन का विरोध, तो ये दोनों ही जो इस प्रकार की अवधारणाएं उनका विरोध करने का कार्य करता है। तीसरा है मार्क्स के अंतर्गत मानवतावादी श्रमिक आंदोलन, ये इनका विरोध नहीं, मार्क्स के अंतर्गत श्रमिक हीगेलियनवादी आंदोलन, वास्तव में मार्क्स के अंतर्गत यानी इसको हम क्लियर कट कर दें कि मार्क्स के अंतर्गत मानवतावादी व जो हीगेलवादी आंदोलन है इसका विरोध करता है। ठीक है, कि मार्क्स के अंतर्गत अगर कोई मानवतावादी और हीगेलवादी जो आंदोलन वो इन चीजों को मानता है कि नहीं, इसका विरोध करता है। क्यों, क्योंकि ये देखिए हीगल क्या करता है, वो कहता है विचारों की बात करता, मार्क्स उल्टा कर देता, कहता नहीं विचारों से कुछ होता नहीं, और वास्तव में ये आगे चल करके कहने लगता कि अर्थव्यवस्था के साथ साथ में जो राज्य की वैचारिकी है ये भी परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राज्य जो है जो सत्ता है वो भी परिवर्तन, इसलिए और मानवता को दोनों को केंद्र में रख करके करता है। ठीक है ना, यानी वहां पर वो इंडिविजुअल की बात कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा मार्क्स क्या करता है, वो इंडिविजुअल ह्यूमैनिटीज की बात करता है, यानी एक एक व्यक्तिगत मानवतावादी, और जबकि ये सामूहिक मानवतावादी, इसी आधार पर इसकी आलोचना भी होती है लुई अल्थूजर की छात्रों। ठीक है, यानी ये मानवतावादी है लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर नहीं है, जबकि मार्क्स इंडिविजुअल लेवल का
तक भी जाता है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि सामूहिक मानवतावाद के, तो ये दो चीजों की आलोचना मानवतावादी और हिगेलवादी आंदोलन की ये क्या करता है, विरोध करने का काम करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रट्टा मार करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन की, अल्थूजर के अनुसार उत्पादन की विधि में सम्मिलित होती है, तो अल्थूजर के अनुसार उत्पादन की विधि में सम्मिलित होती, क्या उत्पादन की विधि में, केवल आर्थिक परिपाटियां सम्मिलित हो, केवल राजनीतिक परिपाटियां, आर्थिक राजनीतिक और विरोधात्मक, और आर्थिक राजनीतिक और आपका परपाटियां, आर्थिक और राजनीतिक परपाटियां। देखिए तीन ऑप्शन है, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया हुआ है कि छात्रों यह केवल आर्थिक निर्धारणवादी नहीं है, ठीक है, यह केवल राजनीतिक निर्धारण भी नहीं, आर्थिक राजनीतिक और विचारात्मक। देखो यहाँ विराधात्मक या विरोधात्मक लिखा हुआ है, लेकिन यह गलत लिखा हुआ है, इसको आप विचारात्मक पढ़ेंगे, ठीक है। तो अल्थूजर क्या करता है, वो आर्थिक राजनीतिक और साथ ही साथ में विचारात्मक, ठीक है ना, ऑडियोलॉजिस्ट है, ठीक है ना, पॉलिटिकल यानी इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड ऑडियोलॉजिकल, ये तीन प्रकार उत्पादन विधियों में सम्मिलित करने की बात करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग छात्रों, तो यहां पर आ रहा है कि युवा मार्क्स, ठीक है, जो युवा मार्क्स है और परिपक्व मार्क्स के ज्ञान मीमांसा अंतराल की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया। देखो युवा मार्क्स यानी युवा मार्क्स क्या था, वो एक प्रकार का मतलब कह लीजिए कि हीगेलियन से प्रभावित था, ठीक है, यानी विचारों से, अर्थात वो दार्शनिक हुआ करता था। परिपक्व मार्क्स क्या था, वो साइंटिफिक था, ठीक है ना, 1946 मतलब 1846 के बाद का जो मार्क्स है वो क्या है, वो परिपक्व मार्क्स कहा जाता है, ठीक है, और उसके पहले का मार्क्स वो दार्शनिक मार्क्स है। तो दोनों में अंतर करने का कार्य जो किया है वो किसने किया है, अल्थूजर ने किया है, ठीक है, दोनों के मध्य में अंतर पहली बार बताने का काम अल्थूजर ने किया है, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह किसका कथन है कि वैचारिक अधिसंरचना अर्थव्यवस्था का मात्र प्रतिबिंब नहीं है अपितु अंशतः इसके अस्तित्व की शर्त भी है। तो वैचारिक अधिसंरचना, ये जो वैचारिक अधिसंरचना है ये केवल अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब ही नहीं है बल्कि क्या है, यह अस्तित्व की निर्धारण की भी। तो वास्तव में वैचारिकता की बात, जैसा कि मार्क्स ने कहा कि विचारों से कुछ नहीं होता है, अर्थव्यवस्था से ही सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। अर्थव्यवस्था के लिए एक आइडियोलॉजी आवश्यक होती है, ठीक है ना, वास्तव में इसकी संरचना के अंदर, सामाजिक संरचना के अंदर में एक महत्वपूर्ण अस्तित्व है, अर्थात इसकी विचारधारा। तो इस आधार पर वैचारिक अधिसंरचना की भी बात को यह स्वीकार करता है। कौन स्वीकार करता है, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा अल्थूजर, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, आर्थिक राजनीतिक और साथ साथ में वैचारिक मानता है। तो वैचारिक अधिसंरचना को कौन स्वीकार करता है, अल्थूजर, 18 का जो 18 नंबर है उसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए लास्ट इसका क्वेश्चन है छात्रों, मैं इसके दूसरे पार्ट में आपको अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है, अगले आगे बहुत सारे और भी क्वेश्चन होंगे, जो 10-15 क्वेश्चन और भी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं जो आने की संभावना है, उनका डिस्कशन हम अगले पार्ट में करेंगे, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसके अनुसार विचारधारा को मात्र मिथ्या चेतना के रूप में ही नहीं, देखो विचारधारा बार बार आ रहा है कि विचारधारा को मात्र मिथ्या चेतना, फॉल्स कॉन्शियसनेस के रूप में नहीं देखा जाता अपितु वास्तविक सामाजिक संबंधों के महत्वपूर्ण अंग है, अर्थात सोशल चेंज के लिए विचारधारा को भी महत्वपूर्ण मानता है, अर्थात वो फॉल्स कॉन्शियस नहीं है, जैसा कि मार्क्स कहता है कि विचारधारा आइडियोलॉजी फॉल्स कॉन्शियस नहीं होती है, रियल कॉन्शियसनेस क्या होता है, मैटर होता है। तो वे इस बात को स्वीकार नहीं करता, विचारधारा को भी एक ऑटोनॉमस एक महत्व देता है, और ये बात किसने किया था, अल्थूजर ने किया था। ये क्वेश्चन कई बार किसी तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार से पूछा गया, तो इसको याद रखिएगा कि वो करता क्या, अल्थूजर का कॉन्सेप्ट क्या, सोशल चेंज लाना चाहता है, तो वो पहली चीज वो क्या बताता है, आर्थिक आधार पर परिवर्तन लाएंगे। दूसरा क्या कहता है, राजनीतिक आधार पर, सत्ता के आधार पर परिवर्तन, राज्य चेंज लाएगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पर जो करता है वो कहता है विचारधारा, अर्थात आइडियोलॉजी, अर्थात फैमिली भी चेंज लाने में परिवर्तन करेगा, ठीक है। इसी आधार पर आईएसए और आरएसए की बात छात्रों अल्थूजर करता है। आईएसए मतलब ऑडियोलॉजिकल, ठीक है, ऑडियोलॉजिकल स्टेट अपार्टस, जिसमें परिवार आ जाता है, या हम कह देते हैं लॉ आ जाता है, या हमारी परिपाटी आ जाती है, एजुकेशन सिस्टम आ जाता है, फैमिली आ जाती है, ये सब हमारे क्या, ऑडियोलॉजिकल, आईआरएस, ठीक है, इसको हम आई ऐसे बोलते हैं, यानी ऑडियोलॉजिकल स्टेट अपार्टस, यानी वैचारिक राजतंत्र। तो वैचारिक राजतंत्र भी चेंज लाने में काम करते हैं। और दूसरा क्या है, रिप्रेसिव होता है, रिप्रेसिव स्टेट अपार्टस, रिप्रेसिव मतलब दमनकारी, तो दूसरा वो दमनकारी मानता है, जिसमें जेलें होती हैं, पुलिस होता है, ठीक है, ये जुडिशरी होती है, वो सब दमनकारी, इन दोनों को वो तैयार करता है। तो छात्रों आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज हम लोग इतने फिनिश करते हैं, और बाकी इसका एक सेकंड पार्ट हम आपको
कल अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। तो कल आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट आएगा। पहला वाला पार्ट कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि जब आप लोग बताते हैं तो इससे बड़ा मतलब एक गुड फीलिंग आती है, लगता है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं और बेहतर होना चाहिए आपके लिए। धन्यवाद छात्रों, और